नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों यह 12वां सीरीज है सोशल साइंस का, और ये रामबाण जी की सीरीज है। 22 दिसंबर को यूपी टेट जूनियर होने वाला है, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यह मात्र यूपी टेट या सी टेट के लिए ही नहीं, बल्कि हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है, आप शायद आ भी चुकी है, आज भी आ चुकी है, तो उसकी भी आने वाली वो भी आ चुकी है, और भी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, हर परीक्षा के दृष्टि से हमारी यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो भी प्रश्न है, ये कुल 1250 प्रश्न है, 1250 प्रश्न का पीडीएफ है। ये जो पीडीएफ है हमारे चैनल पीसीएस पाठशाला आ गई है, और पूरी तरह से सारगर्भित पीडीएफ है। कम से कम यह 1250 प्रश्न अगर आपको अच्छे से याद है, तो कम से कम हर परीक्षा में आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो आइए 12वां भाग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो 64 किलोमीटर तक। प्रश्न 27 देखिए, वायुमंडल कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? तो ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 28, वायुमंडल में नियॉन गैस की मात्रा क्या है? वायुमंडल में नियॉन गैस की मात्रा है 0.0018%। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? 0.0005%। ओजोन गैस की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? तो ओजोन की गैस की मात्रा बहुत ही कम होती है, वो है 0.00001%। प्रश्न नंबर 31 देखिएगा, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है ओजोन, और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियॉन, हीलियम, उसके बाद ओजोन, ऐसे आते हैं। चार चार गैसों को तो आप लोग क्रम से आप याद ही कर सकते हैं, बस फार्मूला याद कर रख लीजिए, नाइट्रो, ऑक्सी, आ, कार्बन, ऐसे। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? तो वो है ओजोन गैस। प्रश्न नंबर 33, किन गैसों की वजह से ओजोन गैस की परत को क्षति पहुंच रही है? देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों की वजह से ओजोन गैस की परत को क्षति पहुंच रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो होती है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल का ही एक दूसरा नाम है संवहनीय मंडल, संवहनीय मंडल। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई क्या है? देखिए, विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की जो ऊंचाई होती है वह 16 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर रह जाती है। और क्षोभमंडल जो है, जितने भी वायुमंडल के जो भी परत हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये कुल 5 मंडल होते हैं। उसमें क्षोभमंडल जो होता है सबसे निचला मंडल होता है। क्षोभमंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, ध्रुवों पर क्षोभमंडल कितनी ऊंचाई पर होता है? तो वह 8 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 37, क्षोभमंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? देखिए, यह जो प्रश्न है यह गलत है, इसका मैं बता दे रहा हूँ। क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। तो कुछ कुछ प्रश्न गलत इसमें हो जाते हैं, अगर 150-200 प्रश्न देखेंगे तो उसमें कुछ गलत हो सकता है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, ऋतु एवं मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो वो होती हैं क्षोभ मंडल में। प्रश्न नंबर 39, क्षोभ मंडल, देखिए क्षोभ का मतलब क्या होता है? क्षोभ का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। तो जैसे क्षोभ का मतलब ही होता है गुस्सा व क्रोध, वैसे क्षोभ मंडल का कार्य भी है, क्षोभमंडल के जो लक्षण हैं, आंधी, तूफान, गर्जना, बरसना, वैसे ही हैं। प्रश्न नंबर 39 देखिएगा, क्षोभमंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो संवहनी मंडल, संवहन मंडल। प्रश्न नंबर 40 देखिएगा, वायुमंडल को किस परत में हवाएं चला करती हैं? तो क्षोभमंडल में
हवाएं चला करती हैं। क्षोभ मंडल में आंधी तूफान गर्जना बरसना आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मौसमी संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में होती हैं। प्रश्न नंबर 41 देखिएगा, वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। प्रश्न 42, वायुमंडल में क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू हो जाती है? तो सबसे निचला परत होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल की सीमा शुरू हो जाती है। प्रश्न 43 देखिएगा, समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो समताप मंडल की जो परत होती है वह 18 से 32 किलोमीटर तक फैली हुई है। देखिए 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है? 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। प्रश्न 44, समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? देखिए 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई जो होती है वह समताप मंडल की होती है, और समताप मंडल में तापमान जो होता है एक समान होता है, इसमें तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न 45 देखिए, वायुमंडल उड़ाने की आदर्श दशा वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में, क्योंकि समताप मंडल में तापमान न घटता है न बढ़ता है, तो एक आदर्श दशा वायुमंडल में पाई जाती है वह समताप मंडल में पाई जाती है, इसीलिए समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। जबकि क्षोभ मंडल में आंधी तूफान वर्षा आदि मौसमी संबंधी घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए क्षोभ मंडल आदर्श स्थिति नहीं होता है वायुमंडल उड़ाने के लिए, जबकि समताप मंडल में हमेशा वायुयान उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ जो तापमान है बराबर बना रहता है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न नंबर 45 है समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न ही आते रहते हैं बार बार। प्रश्न नंबर 46 देखिएगा, ध्रुवों पर वायुमंडल के किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो होती है समताप मंडल की। ध्रुवों पर वायुमंडल के किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो वो होती है समताप मंडल की। इसलिए ऊंचाई ध्रुवों पर वायुमंडल की किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो वो समताप मंडल की होती है। देखिए इसलिए समताप मंडल की मोटाई सबसे ज़्यादा होती हो जाती है ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की मोटाई घट जाती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है वह 8 किलोमीटर ही होती है, और समताप मंडल की मोटाई उस हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। प्रश्न नंबर 47, धरातल से 32 से 60 किलोमीटर में वायुमंडल की कौन सी परत है? 16 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है, 18 से 32 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है। ओजोन मंडल जो होगा 32 से 60 किलोमीटर तक ओजोन मंडल होता है। प्रश्न नंबर 48 देखिएगा, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो ओजोन मंडल को। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ओजोन मंडल ही होता है, ओजोन मंडल में ओजोन परत जो होता है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी तक आएँ तो यहाँ जनजीवन हो ही नहीं पाएगा, यहाँ जीवन होना असंभव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 49, वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 69 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है? तो आयन मंडल की ऊंचाई। आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है 69 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। प्रश्न नंबर 50 देखिएगा, रेडियो तरंगें किस परत में पाई जाती हैं? तो रेडियो तरंगें जो पाई जाएंगी वह आयन मंडल में पाई जाएंगी, आयन मंडल में पाई जाएंगी रेडियो तरंगें। ठीक है दोस्तों, यह कुल 50 यह पीएबी सीरीज ख़त्म हो गई, कुल 12 भाग आप लोग को मिल चुके हैं, और यह सभी जो प्रश्न हैं वो रामबाण जी के हैं, यह परीक्षा में बार बार आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप लोग को।